हे गाइस, एग्जाम पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। एम्स 2021 बीएससी नर्सिंग पैरामेडिकल का जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या हो सकता है, आज की स्टूडियो में यही बताने वाले हैं। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस कर दीजिए, साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा गाइस। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं गाइस। उससे पहले अगर आपने हमारे टेलीग्राम चैनल को नहीं ज्वाइन किया तो जल्दी से हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। सर्च करिए टेलीग्राम पे जाकर नर्सिंग यूजी पॉइंट 2021। यहाँ पे आप हमारा मॉक टेस्ट भी ज्वाइन कर सकते हैं और साथ ही साथ जितने भी स्टेट में नर्सिंग बीएससी नर्सिंग के एग्जाम होते हैं आप हमारे चैनल पर नोटिफिकेशन पा सकते हैं। ठीक है गाइस, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बताएंगे एम्स बीएससी नर्सिंग का कट ऑफ, कैटेगरी वाइज कट ऑफ बताते हैं गाइस। ठीक है, हम जो कट ऑफ बताएंगे वो 5 नंबर ज्यादा ही बताएंगे, कम नहीं बताएंगे, क्योंकि बढ़ता रहता है हर साल कट ऑफ। तो देखिए गाइज, अगर हम जनरल और ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 75 से प्लस नंबर आपके होने चाहिए, और 70 प्लस अगर आप ईडब्ल्यूएस हैं तो। ओबीसी हैं तो 65 प्लस, एससी हैं तो 55 प्लस, एसटी हैं तो 45 प्लस। थोड़ा सा ज्यादा लग रहा होगा आप में से बहुत सारे लोगों को, लेकिन गाइज इतना अगर आप एक्सपेक्ट करोगे ना, इतना अगर आप मेहनत करोगे इतना नंबर पाने की, तो आप डेफिनेटली सीटें पाओगे, क्योंकि हर साल कट ऑफ घटता और बढ़ता रहता है, इसलिए हमेशा थोड़ा ज्यादा नंबर की सोचना चाहिए। ठीक है, इसलिए मैंने थोड़ा बढ़ा के बताया आपको। एम्स पैरामेडिकल का जो कट ऑफ बताने वाले हैं गाइस, ठीक है, इसमें भी हम कैटेगरी वाइज ही कट ऑफ बताएंगे आपको। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं गाइस। एम्स में अगर आप जनरल और ईडब्ल्यूएस से हैं गाइस, तो 65 प्लस और 60 प्लस आपके नंबर होने चाहिए, क्योंकि बहुत ज्यादा कोर्सेस है ना, इसीलिए थोड़ा कट ऑफ कम जाता है इसका। ओबीसी में 55 प्लस, एससी में 50 प्लस और एसटी में 40 प्लस। देखिए गाइस, अगर आपको अच्छे कोर्स में लेना है एडमिशन तो आपको 65 प्लस टारगेट करना पड़ेगा। ठीक है, तो जो जिसकी डिमांडिंग ज्यादा होती है, नहीं तो फिर आप लोअर कोर्स मिलेगा और लोअर कॉलेज भी मिलेगा। ठीक है, क्योंकि एम्स में बहुत सारे कॉलेज हैं। तो थैंक यू सो मच इस वीडियो को पूरा देखने के लिए।